पूजा बब्बर कैंसर चिकित्सालय हूँ और मैं सी के बिरला हॉस्पिटल में मेडिकल ऑन्कोलॉजी कंसल्टेंट पोस्ट पे हूँ। ये पेशेंट 42 साल के हैं, अलीगढ़ से आए थे मिड ऑफ फेब 2023 में। जब ये हमारे पास आए थे इनकी कंडीशन काफी खराब थी। ये स्ट्रेचर पे आए थे, काफी ज्यादा वीकनेस थी, बहुत दिनों से इनको बुखार था, काफी हाई ग्रेड फीवर था, सेप्सिस में थे, अनकॉन्शियस थे और इनकी पास्ट सारे रिकॉर्ड्स देखने के बाद पता चला कि इन्हें लिम्फोमा, जो एक प्रकार का कैंसर है, इसकी बीमारी थी। इनको 4 साइकिल कीमोथेरेपी प्लस टारगेटेड थेरेपी भी मिली थी अलीगढ़ में, बट रिकॉर्ड्स देखकर प्लस इनकी कंडीशन देख के लग रहा था कि उस थेरेपी से इन्हें रिस्पॉन्स नहीं आया है। इनकी कंडीशन ऐसी थी कि हम इन्हें प्राइवेट वार्ड में एडमिट नहीं कर सकते थे। उस टाइम इन्हें चाहिए था एक इंटेंसिव केयर यूनिट की केयर, तो इनको उसके बाद मैनेज किया गया बाय डॉक्टर कुलदीप जो आईसीयू टीम के इंचार्ज है। ये आईसीयू में करीबन 15 दिन तक रहे थे। इनको हायर एंटीबायोटिक्स, ब्लड प्रोडक्ट्स, आईवी फ्लूइड और दूसरे और सपोर्टिव केयर की ट्रीटमेंट स्टार्ट किया गया। धीरे धीरे इनकी कंडीशन थोड़ी थोड़ी ठीक होती रही, बीच में ठीक हो रही थी फिर कम हो रही थी। जब 15 दिन बाद ये थोड़े से बेटर हुए, चलने फिरने लगे, तो हमने इन्हें वार्ड में ट्रांसफ़र कर दिया। प्राइवेट वार्ड में ये 10 दिन तक हमारे पास थे। उस दौरान जब इनकी थोड़ी कंडीशन इम्प्रूव हुई तो हमने सोचा कि इनका जो डिजीज़ है अब इसके बारे में कुछ ट्रीटमेंट प्लानिंग स्टार्ट करते हैं। तो हमने इनका पेट सीटी स्कैन कराया। पेट सीटी स्कैन में एज हमें पहले से ही पता था कि बीमारी कंट्रोल नहीं है, तो काफ़ी एक्सटेंसिव डिजीज़ था। डिजीज़ लंग में था, लिवर में था एंड इवन हड्डियों तक फैल चुका था। साथ में हमने इनकी रीबायोप्सी की। रीबायोप्सी के बाद जो डायग्नोसिस बना वो उनके प्रीवियस डायग्नोसिस से बिल्कुल अलग था। उसके बाद हमने इनकी बोन मैरो की जांच की, बोन मैरो इनका नेगेटिव था। इसके बाद हमने इनकी ट्रीटमेंट स्टार्ट की। ट्रीटमेंट स्टार्ट की कीमोथेरेपी से। जब कीमोथेरेपी स्टार्ट करना था बिकॉज ये काफ़ी हाई रिस्क थे, इनके ब्लड काउंट्स काफ़ी कम थे, तो एक तरह का काफ़ी मतलब जिसे कहते हैं कि एक बड़ा हाई रिस्क ट्रीटमेंट था हमारे लिए, बड़ा चैलेंज था इन्हें कीमोथेरेपी देना विद सच लेस ब्लड काउंट। बट एनी हाउ वी स्टार्टेड विद द ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट स्टार्ट किया एंड एज एक्सपेक्टेड इनके ब्लड काउंट और ड्रॉप कर गए। हमने फिर इन्हें सपोर्टिव केयर दी कुछ 3-4 दिन, फिर इनका एडमिशन हुआ। बट ग्रेजुअली देखा जाए तो ड्यूरिंग ट्रीटमेंट और उसके 2 हफ्ते बाद नेक्स्ट कीमोथेरेपी आई, धीरे धीरे इनके काउंट्स रिकवर होते रहे। इन द स्पैन ऑफ 3 मंथ्स हमने इनको 3 मंथ्स का ट्रीटमेंट दिया। इन द स्पैन ऑफ 3 मंथ्स इनके ब्लड काउंट ग्रेजुअली इम्प्रूव हो गए। रैदर मैं बोलूँ कि इनके ब्लड काउंट बिल्कुल नॉर्मल हो गए। इनकी इनका वजन बढ़ गया। जब ये हमारे पास आए थे ये 54 kgs के थे, आज इनका वजन 72 kg है। इनकी भूख खुल गई, वीकनेस चली गई। जो मरीज स्ट्रेचर पे आए थे आज वो खुद चल कर आते हैं हॉस्पिटल में। तो इनका जो इम्प्रूवमेंट है हमने 3 तरीके से देखा। एक प्रकार का इम्प्रूवमेंट होता है क्लिनिकल। क्लिनिकल इम्प्रूवमेंट मतलब जब मरीज की कंडीशन अच्छी हो, जो मरीज स्ट्रेचर पे है वो चलने लगे और उसकी भूख खुले, वजन बढ़ने लगे, इसे कहते हैं क्लिनिकल इम्प्रूवमेंट। सेकेंड इम्प्रूवमेंट होती है ब्लड पैरामीटर्स की, लेबोरेटरी इम्प्रूवमेंट। इनका CBC बिल्कुल नॉर्मल हो गया। थर्ड इम्प्रूवमेंट जो है वो होती है स्कैन के द्वारा, पेट सीटी स्कैन, जो इनका बिल्कुल, जब हमने इनका पेट सीटी स्कैन कराया था 3 महीने के इलाज के बाद, देयर वाज अ कंप्लीट मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स। वहाँ पे कोई भी बीमारी नहीं दिखी स्कैन में। आज 3 महीने हो गए हैं ट्रीटमेंट को, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है। एक तरह का मिराकल है ये, क्योंकि जैसे ही आए थे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी और इतनी खराब कंडीशन से इतनी अच्छी कंडीशन हो गई। तो इसका मैं आप लोगों को एक यही मैसेज दूंगी कि कैंसर की जानकारी देने वाले 10 लोग बैठे हैं, काफ़ी रिश्तेदार, काफ़ी नॉर्मल जनरल लोग, कॉमन पीपल काफ़ी राय देते हैं, बट इसका करेक्ट डायग्नोसिस, स्टेजिंग और ट्रीटमेंट एक कैंसर स्पेशलिस्ट ही बता सकता है। इनके केस में राइट ट्रीटमेंट, राइट टाइम, राइट प्लेस विद द राइट डॉक्टर has actually done miracle for them. Thank you.
सारा तो कुछ मैम ने बता ही दिया है जैसा कि मेरे साथ में हुआ, और मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि मेरे साथ में वाकई ही मिरेकल हुआ है। मैं वाकई एक स्ट्रेचर पर यहाँ डल के आया था, एक दो मेडिकल कॉलेज ने मुझे मना कर दिया, यहाँ तक कि अलीगढ़ तक में मेरा ट्रीटमेंट ठीक से नहीं पाया। मेरे बड़े भाई जो बड़ा दूरदर्शी हैं, उन्होंने मुझको देखा कि मेरी हालत बहुत डाउन हो रही है, तो वहाँ ये लड़ गए और वहाँ से इन्होंने जो है रेफ़र कराया, और रेफ़र करा के हमारे ऊपर अल्लाह का करम हुआ कि हमें मैम का नंबर मिला, फिर हम मैम के संपर्क में आए, और आने के बाद में उन्होंने मुझे ट्रीटमेंट दिया। बहुत मेहनत की उन्होंने, सुबह शाम मॉनिटर किया मुझको, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि मैम को और कामयाबी अल्लाह पाक दे। उन्होंने बहुत मुझे ट्रीट किया, बहुत अच्छी तरह से ट्रीट किया है। आज मैं आपके सामने बोल पा रहा हूँ, एक वक्त ये था कि मैं बोल भी नहीं पाता था, ना खाना खा पाता था, ना मेरा चलना था, यहाँ तक कि मुझे न्यूरोपैथी के डॉक्टर आते थे, वो चलाने की कोशिश करते थे, वो भी नहीं चला पाते थे। आज मैं बहुत कुछ मैंने पाया है यहाँ पर, अपनी ज़िंदगी पाई है। सबसे बड़ी बात, अल्लाह का बड़ा एहसान है इसमें, मेरे भाइयों का, मेरी वाइफ का और मैम का बहुत बड़ा साथ है, जिन्होंने मेरे साथ में मेहनत की, मुझे इस पोजीशन तक पहुँचाया। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा, मेरी वाइफ, मेरे भाई और मेरे छोटे भाई हैं, मेरे बड़े भाई हैं, इन लोगों ने मेरे साथ में ऐसा किया है, मतलब एक क्या मिरेकल करके दिखाया है मेरे लिए, तो मैं बस अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। हॉस्पिटल में आई थी लेकर तब इनमें कुछ नहीं था, आज इस हॉस्पिटल की वजह से और पूजा मैडम की वजह से आज ये बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का करम है। मैं इनका जितना शुक्रिया अदा करूँ वो बहुत कम है। मैं सिर्फ यह इस बीमारी कोई भी हो, कैंसर हो या एक्सपायर कोई बीमारी, पहली चीज तो ये है अगर उसका इलाज, उसका ट्रीटमेंट सही जगह सही डॉक्टर के साथ होगा तो वो टाइम जरूर लेती है। अब कैंसर का नाम सुनने के बाद ज़्यादातर मुश्किल लोग उपलब्ध हो जाते हैं डॉक्टर साहब का, जैसा भी कहना था 8-10 लोगों अलग अलग लोगों की अलग अलग राय आती है। अगर उस चीज़ में सही डॉक्टर और सही ट्रीटमेंट का सिलेक्शन किया जाए तो डेफिनेटली कैंसर इज जस्ट लाइक बीमारी, वो नहीं है कि माइंड में पूरा कैंसर हो गया तो लाइफ खत्म होगी, ना। अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट है, अच्छा देखभाल है, तो उसका एग्जाम्पल ये है मेरा भाई, फरवरी का जो सीन था और आज का जो सीन है, तो डेफिनेटली अगर अच्छा डॉक्टर है, अच्छा इन्वायरमेंट है, बीमारी कोई हो, कैंसर हो या कोई भी हो, अगर मेरे ख्याल से शायद 4th स्टेज थी इसकी, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो उस मोमेंट पर ऐसा लगता था कि शायद अब पर डे किस तरह से कटा है वो उसको तो खैर नहीं कह सकते, लेकिन आप हैप्पी हैं, सब कुछ अच्छा है। मैं सिर्फ यही एडवाइस करूंगा कि कोई भी बीमारी है तो उसको अगर साइकोलॉजिकल बीमारी समझा जाए तो डेफिनेटली दूर होगी, और डॉक्टर पर ट्रस्ट रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डॉक्टर चेंज करना, हॉस्पिटल चेंज करना, जगह जगह जाना, वो भी एक सॉल्यूशन नहीं है। अगर आप डॉक्टर पर ट्रस्ट रखते हो तो डॉक्टर भी उसी ट्रस्ट के साथ आपके साथ काम करेगा। अगर डॉक्टर को यही नहीं पता कि पेशेंट 2 दिन रुकेगा, 3 दिन रुकेगा, चला जाएगा, तो वो भी अपना बेस्ट नहीं कर पाएगा। हमने डॉक्टर पूजा पर पूरा ट्रस्ट था, इनके ट्रीटमेंट पर ट्रस्ट था, इन्होंने जैसा किया हम इनके साथ खड़े थे, सिर्फ हमें ट्रीटमेंट कराना था, ना कि ये कैलकुलेशन करना था क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ये मेरा अब तक का जो एक्सपीरियंस है कि डॉक्टर पर ट्रस्ट रखा जाए, अगर आप डॉक्टर पर ट्रस्ट रखोगे तो डेफिनेटली देखेंगे द रिजल्ट 100%।